अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ऋषा घरेलू सिंपल रेसिपी के साथ। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का बटन दबा दें ताकि आपको हमारे हर आने वाली वीडियो मिल सके। और आज हम बनाएंगे सीरी पाए, जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो पर बताया था कि सीरी पाए कैसे घर में लोए जाते हैं। और आज हम इसका सालन बनाएंगे और आपको बताएंगे इसका तरीका कैसे है पकाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसमें सिर्फ पाए डाले हैं, सीरी का गोश्त अभी नहीं डाला। दो प्याज लिए हमने और इसमें हरा लहसुन भी लिया है। हस्ब ज़रूरत हम इसमें नमक डालेंगे और लाल मिर्च डालेंगे हम एक चम्मच, हल्दी डालेंगे हम हाफ चम्मच और दो गिलास हम इसमें पानी डालेंगे। 20 से 25 मिनट हम इसको पकाएंगे। अब हम सीरी का गोश्त भी डाल देंगे। 25 मिनट हमने इसको पकाया था, हल्की आंच में हमने रखा था क्योंकि ये पाए देर से गलते हैं और सीरी कुछ इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती। पाए देर से गलते हैं इसलिए हमने पहले पकाने के लिए रख दिए थे। अब हमने सीरी डाल दी है इसमें और ये हम अब इसके साथ ही लहसुन डाल देंगे। दो तीन गठियाँ मैंने ले ली थी, नशे इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लहसुन का हम पेस्ट नहीं डालेंगे इसलिए हमने साबुत ही लहसुन डाला है। ये देखें आप, पानी भी इसका खुश्क हो गया है। हमने 25 मिनट इसको और पकाया था तो अब हम इसमें ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और तकरीबन ये एक कप के बराबर ऑयल होगा, आपने एक कप ही डालना है। हर चीज़ पकाने का अपना अपना तरीका होता है और हम ये नहीं करते कि एक साथ ही सब चीज़ें डाल दी और हमने पकाने के लिए रख दिया, इससे वो टेस्ट नहीं आता। और अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर सिर्फ हमने दो लिए हैं, इतने ज़्यादा नहीं डालने, फिर ये मीठा सा सालन बन जाता है टमाटरों के साथ। अब हम इसको पकाएंगे उतनी देर जब तक ये टमाटर का पानी खुश्क नहीं हो जाता, फिर हम इसको भून लेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसका पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें दो चम्मच अदरक के डाल देंगे। अदरक मैं हमेशा तब डालती हूँ जब भुनाई करनी होती है, तब इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अगर हम पहले डाल देंगे तो इसका वो जायका नहीं आएगा। अब हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे तब तक जब तक ये घी ना छोड़ दे, तब तक हम इसकी भुनाई करते रहेंगे। ये देख सकते हैं इसने घी छोड़ दिया है और हमने अच्छी तरह इसकी भुनाई की थी। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी के तकरीबन 4 या 5 गिलास हम पानी डाल देंगे इसमें। सीरी पाए ये बहुत देर से गलते हैं, प्रेशर कुकर में तो ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, सिर्फ 40 मिनट ही लगते हैं इसे पकाने में। और अब हम डेगची में बना रहे हैं इस हंडी में। पानी हमने डाल दिया है, अब हम इसे आधा घंटा और पकाएंगे। तकरीबन ये आधे तो गल गए हैं और आधा घंटा सिर्फ इसे और लगेगा। ये देख सकते हैं आप, पानी में अच्छी तरह जोश आ चुका है। अब हम इसे आधा घंटा और पकाएँगे, हल्की आंच हमने कर देनी है। ये देखें हम इतनी सी आंच में इसको पका लेंगे और ये गल जाएगा। ये देखें आप, हमने 30 मिनट इसको पका लिया था और ये गल भी गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच गरम मसाला और अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। और हरा धनिया हम इसमें आखिर में ही डालते हैं, इसकी खुशबू अच्छी आती है। इसमें एक हरी मिर्च डाल देंगे, एक ही डालनी है, सिर्फ हमने फ्लेवर के लिए डाली है। सीरी पाए रेडी हो चुके हैं, अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। ये देखें हमारी डिश हो चुकी है रेडी। और सर्दियों में सीरी पाए तो बहुत ही मज़े के लगते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इनका। और ये देखें कितने अच्छा लुक आया इसका। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। अब हम मिलेंगे अगली न्यू रेसिपी के साथ, तब तक आप हमें इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।